आजादी के पर्व पर मधुशाला के पट खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन साहब जब एक ओर पीने की तलब हो और दूसरी ओर माया का मोह, तो भला फिर कैसे कायदे और कैसा कानून। सुबह झंडा लहराओ फिर फुल फुर्सत, तो चलो जाम टकरा लो। मधुशाला बंद है तो क्या हुआ, प्रशासन की मेहरबानी से धड़ल्ले से ढाबों पर शराब जो उपलब्ध है, थोड़े दाम ज्यादा होंगे लेकिन मेहमान नवाजी खास होगी। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर जहाँ देश में शराब की बिक्री प्रतिबंधित थी, लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ढाबों पर शराब परोसी जा रही थी। टीम उफ के सदस्य दीपक कौरव जब सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो चौंक गए। जिम्मेदारों को फोन खटखटाया लेकिन जवाब ना आया, क्योंकि खिचड़ी तो थी मिलीजुली। ढाबों पर बिना किसी खौफ के शराबखोरी चलती रही और जाम के भार के नीचे दबे कायदे कानून सिसकते रहे। रिश्तेदारों के हौसले बुलंद हैं और इस प्रकार से जब प्रतिबंधित दिन है कि इस दिन शराब पीना बंद रहेगा, उस दिन चोरी छिपे पीछे से शराब बेचना बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। इन पर बड़ी ठोस कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। जब सारा देश जहां आज़ादी का जश्न मनाने में लगा था, ठीक उसकी दूसरी ओर शराब माफिया के हौसले बुलंद ढाबों पर एवं शराब की दुकानों पर खुलेआम दिन में रात में शराब बिक्री हो रही है, ये सरासर गलत है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। शासन ने नियम बनाया हुआ है 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन शराब ना बिकने का, और इस तरह ढाबों पर और शराब के दुकानों में पीछे से शराब बेची जाना निहित ही कानून का उल्लंघन है। घटनाक्रम शर्मनाक है तो प्रशासनिक अमले के रवैये को लेकर बड़े सवाल भी खड़ा करता है। कोई ढील नहीं, बल्कि इन ढाबा संचालकों पर तो लगाम कसना ही चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरह से कायदे कानून का मखौल ना बने।